एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टेक्निकल खालिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना कवच एप्लीकेशन क्या है और कोरोना कवच एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। इस एप्लीकेशन की मदद से आपको कोरोना से रिलेटेड जितने भी अपडेट होगा उन सब का पता चल जाएगा, और इस एप्लीकेशन की मदद से आपको ये भी पता चलेगा अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और वो आपके आसपास में होगा तो इस एप्लीकेशन की मदद से आपको वो भी पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति आपसे कितने दूरी पर है। इस तरह से ये एप्लीकेशन आपको कोरोना से बचा सकता है। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है कोरोना कवच। तो आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना कवच कीप यू एंड योर फैमिली सेफ। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक करते जाना है, या फिर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करते जाएंगे। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा, तो यहाँ पर रजिस्टर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गेट ओटीपी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर हम गेट ओटीपी में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी सेंड में आपको क्लिक कर देना है। आपको ओटीपी के लिए कुछ देर वेट करना होगा, उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल करके वेरीफाई में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके में क्लिक कर देना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी अपडेट होगा उन सबको आप यहाँ पर से देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से एक्सरसाइज बताया जाएगा। तो यहाँ पर से स्टार्ट ब्रेथिंग एक्सरसाइज, तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनहेल, आई होल्ड, एक्सहेल, ई होल्ड। तो यहाँ पर आपको सांस लेना है, उसे होल्ड करके रखना है, फिर से आपको छोड़ना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से करते जाना है आपको। उसके बाद स्टॉप में क्लिक करना है। इस तरह से आप यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे किसी को लगता है कि उसमें कोरोना वायरस के लक्षण है तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इसे फिल करना है। जैसे आर यू फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, तो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, यस नो। हाउ मच इन योर करेंट बॉडी टेम्परेचर, इस तरह से इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उसके बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जीपीएस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है आपसे कितने दूरी पर है। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन की मदद से खुद को और अपनी फैमिली को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आप अपना इंटर यूनिक आईडी अपना डाल करके उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और अपने फैमिली और खुद को कोरोना वायरस से बचा करके रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।